हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। और दोस्तों, अभी अपन सिविल इंजीनियरिंग का हाइड्रोलॉजी का इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का पार्ट नंबर थर्ड के साथ डिस्कस करेंगे, और ये हाइड्रोलॉजी का लास्ट पार्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो में अपन अपना जो सिविल इंजीनियरिंग का हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट है उसका लास्ट पार्ट रह रहा था, अपना शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो रिवीजन करने का अपना एक सीरीज़ थी, उसको अपन कंटिन्यू करते हुए ये हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे रन ऑफ के बारे में एंड कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ, सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। एंड मेथड ऑफ राउटिंग, मस्किंगम मेथड, रेजिडेंस टाइम एंड ट्रांसफारेशन, पेनवान इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है, बेस फ्लो क्या होता है, बेस टाइम क्या होता है, लैग टाइम क्या होता है, हाइड्रोग्राफ का जो राइजिंग लिम्ब है एंड फॉलिंग लिम्ब है वो किस किस हिसाब से डिपेंड करता है, कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करता है कि स्टॉर्म के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि बेसिन के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, अजम्पशन क्या क्या मानते हैं अपन यूनिट हाइड्रोग्राफ के अंदर, इन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लेट वी स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो दोस्तों, आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में स्वागत है। और दोस्तों, सभी दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए अपना यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, तथा बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे जो जो मेरे नए वीडियोज आते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी अपन शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिविजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट वी स्टार्ट। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपन। अपन ने जो स्टार्ट किया था पहले, वो यहाँ तक अपन कर चुके हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक डिस्चार्ज ऑफ बेसिन कैसे वेरी करता है एरिया से, तो वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे रन ऑफ के बारे में, होने के बाद में अपना जो कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया से अपना कैचमेंट से आउटलेट से कितना रिवर बेसिन में या फिर कैनाल बेसिन में या फिर जिसके थ्रू भी वो जिस भी बेसिन के थ्रू अपन का बाहर निकल रहा है उसमें पानी चले जाता है आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग लॉसेज। तो दोस्तों, अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि फॉर स्मॉल एरियाज के लिए रन ऑफ कैलकुलेशन आर इक्वल टू ए प्लस बी। फॉर स्मॉल एरियाज के लिए क्या करेंगे दोस्तों, स्मॉल एरियाज के लिए फॉर स्मॉल एरियाज के लिए रन ऑफ इक्वल टू आर इक्वल टू ए पी प्लस बी। यहाँ पे आर रन ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, पी प्रेसिपिटेशन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, एंड ए एंड बी एयर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया स्मॉल एरिया के लिए अपन रन ऑफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है खोसला थ्योरी। खोसला थ्योरी में आर एम इक्वल टू पी एम माइनस के एल एम। तो दोस्तों, ये आर एम क्या चीज़ है अपन को, आर एम देता है एम मंथली रन ऑफ इन सेंटीमीटर, पी एम मंथली रेनफॉल इन सेंटीमीटर एंड एल एम मंथली लॉसेज इन सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इन चीज मंथली लॉसेज इन सेंटीमीटर यहाँ पे अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें दोस्तों, यहाँ पे जो मंथली लॉसेज इन सेंटीमीटर है वो टी एम के साथ में वेरी करता है। ठीक है चीज़ है दोस्तों, मंथली मीन टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है। अगर मेरा दोस्तों मंथली मीन टेम्परेचर है वो टी एम इज ग्रेटर देन 4.5 डिग्री सेल्सियस, देन एल एम की वैल्यू है जो डायरेक्टली अपन पिक करते हैं 0.48 TM, एंड इफ़ टी एम इज़ लेस देन 4.5 डिग्री सेल्सियस देन द ये टेबल अपन यूज़ करते हैं और अपन इससे क्या है एल एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो टी एम 4.5 माइनस के 1 माइनस के 6.5, ऐसे मंथली मीन टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो इस तरह से है। तो एल एम 4.5 के करस्पॉन्डिंग 2.17, माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग 1.78 और माइनस 6.5 के करस्पॉन्डिंग 1.52 वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इससे जो रन ऑफ कोफिशिएंट होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू रन ऑफ डिवाइडेड बाय द रेनफॉल। रन ऑफ कोफिशिएंट इधर दोस्तों आगे ये अपन डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से अपन क्या करते हैं दोस्तों, रन ऑफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। रन ऑफ कैलकुलेशन करने के बाद में आर एम इक्वल टू पी एम माइनस के
एलएम से अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इन हाइड्रोग्राफ जो कंसंट्रेशन टाइम होता है हाइड्रोग्राफ के अंदर, जो हाइड्रोग्राफ के अंदर कंसंट्रेशन टाइम होता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टाइम ऑफ द कैचमेंट। तो दोस्तों जो भी हाइड्रोग्राफ के अंदर जो भी कंसंट्रेशन टाइम अपन लेते हैं टीसी, वो क्या होता है कंट्रीब्यूशन टाइम ऑफ द कैचमेंट, मतलब कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन जो कंट्रीब्यूशन है कैचमेंट का वो मतलब कंसंट्रेट वाटर है वो अपना बेसन में कंट्रीब्यूट होने लग जाता है। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन टाइम ऑफ द कैचमेंट, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन टाइम। तो दोस्तों ऐसे ही आगे एक छोटा टर्म है रन ऑफ कोफिशिएंट। रन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, रन ऑफ डिवाइडेड बाई द रेनफॉल। तो दोस्तों ये क्या है, रन ऑफ डिवाइडेड बाई द रेनफॉल। तो ये रन ऑफ कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। और अगर अपन बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट रन ऑफ की बात करते हैं, तो टोटल रेनफॉल माइनस के वेस्ट फ्लो। अगर हमें हाइड्रोग्राफ के मेथड के ऊपर, पहले अपन हाइड्रोग्राफ मेथड डिस्कस करते हैं। इफ द हाइड्रोग्राफ इज गिवन देन द रन ऑफ, हाउ वी कैलकुलेट द रन ऑफ हेयर, फॉर कैलकुलेटिंग द रन ऑफ या रेनफॉल एक्सिस। रेनफॉल एक्सिस से दोस्तों क्या है कि जो भी अपना लॉसेज है, इवोपरेशन है, ट्रांसफरेशन है, इवोपो ट्रांसफरेशन है, या फिर जो भी डिचेज के अंदर है, या फिर परकुलेशन है, उन सब के एक्सट्रैक्शन के बाद में जो है वो रेनफॉल एक्सिस है। तो उसकी वैल्यू अपने ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो हाइड्रोग्राफ अपन गिवन है वर्टिकल में क्यों और इधर टाइम का वेरिएशन देते हैं, तो ये हाइड्रोग्राफ इसे वेरी कर रहा है। तो इसमें जो अपन को एन डेप्थ इन कैचमेंट में जो भी कैलकुलेशन करती है रन ऑफ की, तो वो इक्वल टू 0.36 समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के वाई आई की चीज़ें यहाँ पे जो इंटरसेप्ट देता है, और वाई आई क्या है यूनिट क्यों की बराबर होगा, तो ये मीटर क्यूबिक पर सेकंड में देगा। टी आई है वो हावर में अपना वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, और यहाँ पे एसी होता है वो होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अब यहाँ पे आते हैं कि डायरेक्ट रन ऑफ होता है, तो टोटल रेनफॉल कितना हुआ माइनस के बेस फ्लो। अगर दोस्तों मेरा क्या है कि बेस फ्लो क्या है कि ऑलरेडी से ही उस बेसिन में उस कैचमेंट से कितना वाटर फ्लो कर रहा है, या उस बेसिन में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, उसको अपन माइनस कर देंगे, तो अपन का डायरेक्ट रन ऑफ कितना हुआ वो ईजिली कैलकुलेट हो गया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो अपन ने एरिया लिया था, एरिया ऑफ द कैचमेंट ये किलोमीटर स्क्वायर में लिया जाता है। टोटल रेनफॉल माइनस के लॉसेस करेंगे तो रेनफॉल एक्सिस हो जाएगा, तो मतलब कि टोटल रेनफॉल कितना हुआ था माइनस के लॉसेस कर देंगे तो अपन के पास में क्या मिल जाएगा दोस्तों, रेनफॉल एक्सिस मिल जाएगा दोस्तों। और इफेक्टिव रेनफॉल, ये डायरेक्ट रन ऑफ देख लिया था, टोटल रेनफॉल माइनस के बेस फ्लो। इफेक्टिव रेनफॉल देखना है तो इफेक्टिव डायरेक्ट रन ऑफ डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ कैचमेंट, कितना रन ऑफ हुआ डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ कैचमेंट करेंगे तो अपने पास में दोस्तों ये इफेक्टिव रेनफॉल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इफेक्टिव रेनफॉल कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल एक्सिस, टोटल रेनफॉल में से माइनस करेंगे अपन क्या लॉसेस को, जो भी है वो रेनफॉल एक्सिस को अपन को दे देगा। इफेक्टिव रेनफॉल डायरेक्ट रन ऑफ डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द कैचमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। रेनफॉल एक्सिस टोटल रेनफॉल माइनस के लॉसेज। और जो हाइड्रोग्राफ के मेथड है उसमें अपन एरिया कैचमेंट है वो किलोमीटर स्क्वायर में लेते हैं, और इससे अपन को रेनफॉल एक्सिस कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन ऑफ यूनिट इट इज़ गिवन बाय द शेयरमैन, ये याद रखना है अपन को। शेयरमैन ने इन 1932 में गिवन बाय द शेयरमैन एंड एप्लीकेशन में यूनिट हाइड्रोग्राफ में कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ द एंड डेप्थ, मतलब कि कोई भी अपन को किसी भी डेप्थ की कंस्ट्रक्शन करना है फ्लड हाइड्रोग्राफ का, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई द यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लस के बेस फ्लो। तो फ्लड को कैलकुलेट करना है तो बेस में पहले से कितना फ्लो कर रहा है बेस फ्लो माइनस के यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट डेप्थ के लिए मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ मल्टीप्लाई बाई द, उस डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जितनी डेप्थ के लिए रेनफॉल हुआ है उससे हुआ है, तो अपन का फ्लड हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम द टी नोड, गिवन ड्यूरेशन टू टी नोड स्मॉल टी नोड ड्यूरेशन। तो स्मॉल टी नोड ड्यूरेशन का अपन को कैलकुलेट करना है, और कैपिटल टी नोड ड्यूरेशन का अपन को गिवन है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो टी नोड इक्वल टू कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाई द टी नोड, यहाँ पे कैपिटल एन क्या है एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोस्तों बेस टाइम इंक्रीज भाई, इसमें जो अपन का जो बेस टाइम होता है दोस्तों, बेस टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है कितने से, n माइनस के वन मल्टीप्लाई बाय द टी नोड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों कि क्या क्या एजम्पशन लेते हैं अपन यूनिट हाइड्रोग्राफ के, और क्या क्या उसके कैरेक्टर होते हैं हाइड्रोग्राफ के।
ठीक है दोस्तों, इसको अपन थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एजम्पशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसमें क्या है कि टाइम इनवेरियंस है और लीनियर रेस्पॉन्स है। जैसे कि जितना रेनफॉल हुआ है उसका अपन को लीनियरली रेस्पॉन्स मिलेगा आउटपुट में, मतलब कि जो भी अपना हाइड्रोग्राफ होगा उसमें लीनियरली रेस्पॉन्स मिलेगा। ये सिस्टम अप्रोच है। और टाइम इनवेरियंस है मतलब कि टाइम के साथ में इनवेरियंस करता है एंड लीनियर रेस्पॉन्स देता है। ये अपना क्या है, एजम्पशन है मान के चलते हैं। तो दोस्तों अदर एजम्पशन क्या है, रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अपन को क्या मान के चलते हैं कि रेनफॉल हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और रेनफॉल कॉन्स्टेंट ऑफ सेंटर, रेनफॉल क्या होता है अपना दोस्तों, रेनफॉल कॉन्स्टेंट होता है, रेनफॉल कॉन्स्टेंट ऑफ एंटायर ड्यूरेशन। मतलब एक तो अपन को क्या है कि रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और एंटायर ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल क्या है अपना, रेनफॉल कॉन्स्टेंट है फॉर एंटायर ड्यूरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आते हैं अपन कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोग्राफ। कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोग्राफ के बाद में बात करते हैं तो राइजिंग लिम्ब। तो दोस्तों अपन का ये हाइड्रोग्राफ है, इसमें जैसे कि मैं ये ऐसे फ्लड हाइड्रोग्राफ है ऐसे ये बना रहा है, तो इसका ये राइजिंग लिम्ब है, ये फॉलिंग लिम्ब है। और यहाँ पे यहाँ से इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक का ये टाइम है। तो दोस्तों ये टाइम अपना रिप्रेजेंट करता है लैग टाइम को, लैग टाइम को डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन टू सेंटर ऑफ द पीक ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ। ये अपना लैग टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद में जो राइजिंग लिम्ब है, तो दोस्तों ये राइजिंग लिम्ब है, राइजिंग लिम्ब किस पर डिपेंड करता है, राइजिंग लिम्ब डिपेंड ऑन द बेसिन कैरेक्टर लाइक द स्लोप। बेसिन का कैसा कैरेक्टर है, स्लोप कैसा है, स्टॉर्म का कैरेक्टर कैसा है, उस पर अपन का राइजिंग लिम्ब डिपेंड करता है। फॉलिंग लिम्ब डिपेंड ऑन द, जो फॉलिंग लिम्ब है वो किस पर डिपेंड करता है, कैचमेंट के कैरेक्टर पे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप से है कि फॉलिंग लिम्ब है वो किस पर डिपेंड करता है, कैचमेंट के कैरेक्टर पे, स्टॉर्म के कैरेक्टर पे, बेसिन कैरेक्टर पे। तो इन चीज़ों को अपन को याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है जो ES पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको थोड़ा देख लेते हैं, फॉर्मूलेज है इनको अपन को रिमेंबर रखना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ और सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ इज गिवन बाय द सेंडर फॉर द स्टैंडर्ड रेनफॉल ड्यूरेशन और फॉर नॉन स्टैंडर्ड रेनफॉल ड्यूरेशन। दोनों के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन रेनफॉल के लिए अपन इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि फॉर्मूलाज को देखेंगे, शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड रेनफॉल के लिए जो अपना TP है, TP क्या चीज़ है, तो दोस्तों बेसिन लेग TP, बेसिन लेग इन आवर, बेसिन लेग इन आवर है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड रेनफॉल के लिए CT मल्टीप्लाई बाय द L मल्टीप्लाई बाय द LCA की पावर 0.3, और इधर TP क्या है, CT मल्टीप्लाई बाय द L डॉट LCA की पावर 0.3, ये सेम है। तो दोस्तों इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो CT है वो रीजनल कॉन्स्ट, यहाँ पे जो CT मैं यूज़ में ले रहा हूँ, CT भी क्या है, रीजनल कॉन्स्टेंट है, प्रेजेंट स्लोप एंड वाटर सेट, रीजनल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट स्लोप एंड वाटर सेट का है, जो कि 1.35 टू 1.65 होता है। इसकी वैल्यू मैं अप्रोक्स 1.5 लेके चलता हूँ। एंड और दोस्तों यहाँ पे जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना सिटी, इसका लगभग अपन 1.5 ही लेके चलते हैं एवरेजन। एंड TP है वो बेसिन लेग है इन हावर में। एंड दोस्तों TR इक्वल टू TP डिवाइडेड बाई द 5.5 जो स्टैंडर्ड रेनफॉल के लिए है, और इधर क्या लेते हैं दोस्तों 21/22 TP प्लस के TR/4। तो दोस्तों यहाँ पे TP बेसिन लेग देख ही लिया था, TR क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्टिव रेनफॉल। तो दोस्तों ये गिवन इन क्वेश्चन होता है, TR जो ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्टिव रेनफॉल है, इसमें इसमें TP- कैलकुलेशन करते हैं, इसमें TR कैलकुलेशन करते हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों QP, QP क्या चीज़ है दोस्तों, पीक डिस्चार्ज इन क्यूमिक्स, क्यूमिक मीटर प्रति सेकंड में। तो QP यहाँ पे QP- आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे TP- कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे TP- यूज़ किया है, यहाँ पे TP यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं TB। ठीक है दोस्तों, तो TB अपन कैलकुलेट करते हैं, TB का फॉर्मूला है तो 72। तो दोस्तों इसमें TB, दोस्तों ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप से इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये TB की वैल्यू है जो 72 प्लस के 3 TP, और
टी पी प्लस के टी आर बाई टू से अपन कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे टी वी डैश होता है वो 72 प्लस के 3 टी पी डैश प्लस और 5 टाइम्स और टी पी डैश प्लस के टी आर बाई टू से अपन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जनरल एक फॉर्मूले है जिसको अपन देख लेना है। यहाँ पर W50 क्या चीज़ है, बिट ऑफ द सिंथेटिक यूनिट है वो 50% पीक डिस्चार्ज। तो ये 50% पीक डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग है, ये 75% पीक डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग है। और सी पी यहाँ पे अपन जो ले रहे हैं ये डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज फॉर्मूले में सी पी क्या चीज़ है, अपना रीजनल कॉन्स्टेंट है। इसकी वैल्यू 0.562 से लेकर के 0.69 तक अपन यहाँ पे लेते हैं। जो एरिया है, एरिया ऑफ द कैचमेंट है, ये हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में लिया जाता है। और दोस्तों LCA जो अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो पहले ही फॉर्मूले में यूज है LCA डिस्टेंस फ्रॉम द गेजिंग स्टेशन टू द सेंट्रोइड अलोंग द मेन वाटर सोर्स, मतलब कि अपन का जो भी गेजिंग स्टेशन है, गेजिंग स्टेशन से लेकर के सेंट्रोइड तक लेना है, गेजिंग स्टेशन सेंटर टू सेंटर, तो गेजिंग स्टेशन से लेकर के मेन वाटर सोर्स है उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन LCA कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों ये UPSC पर्पज़ के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभी फॉर्मूलेज यूज होते हैं तो उनको अपन को रिमेम्बर रखना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डिजायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट बाई द एस कर्व। तो एस कर्व से अपन को क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल दे देता हूँ एस कर्व के बारे में। एस कर्व के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ दोस्तों। ये एस कर्व का एक आइडिया है जिसमें कि दोस्तों अपन को क्या है कि अलग जैसे कि मैंने देखा कि रेनफॉल एक्सिस है फॉर रेनफॉल फॉर एस कर्व ऑफ ए, इसके लिए एक है, इसके लिए रेनफॉल एक्सिस अलग है। इन दोनों का जो ऑर्डिनेट है उन दोनों के ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया है दोस्तों यहाँ पे, और टाइम यहाँ पे डिस्चार्ज वर्टिकल एक्सिस डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। और इन दोनों के जो ऑर्डिनेट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक टी हाइड्रोग्राफ यूनिट बनता है जिसका अपन यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आगे चलते हैं जिसमें कि डिजायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ अपन को चाहिए। तो एस कर्व दे, तो ये क्या है, ग्राफ बिटवीन एस क्यू एंड टाइम फॉर द इन्फिनाइट ड्यूरेशन। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था आपको, ऐसे करके पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अपन को क्या करना है, डिजायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए। तो टी नोड क्या चीज़ है यहाँ पे, तो डेल्टा जो भी ऑर्डिनेट अपन कैलकुलेट कर रहे थे डेल्टा एस डैश, तो डेल्टा एस डैश इक्वल टू डेल्टा एस मल्टीप्लाई बाई द कैपिटल टी नोड डिवाइडेड बाई द स्मॉल टी नोड से रिप्रेजेंट किया है। टी नोड गिवन टाइम ऑफ द हाइड्रोग्राफ एंड टी नोड अपन को क्या है दोस्तों, वो तो मैं एस कर्व के बारे में आपको डिस्कस किया था। तो अपन को क्या है कि उससे यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट चाहिए, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट चाहिए तो डेल्टा एस डैश ऑर्डिनेट। टी नोड क्या चीज़ है, गिवन टाइम ऑफ द हाइड्रोग्राफ एंड टी नोड आस्किंग यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन ने क्या किया, यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाया, यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ द एस कर्व। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। तो दोस्तों अब इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज में अपन को क्या एजम्पशन मान के चलते हैं कि रेनफॉल ड्यूरेशन ऑलवेज ग्रेटर देन द TC, और TC क्या चीज़ है दोस्तों, कंसंट्रेशन टाइम। तो दोस्तों कंसंट्रेशन टाइम के बारे में आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कंसंट्रेशन टाइम वो टाइम होता है जो कंट्रीब्यूशन टाइम ऑफ द कैचमेंट, मतलब कि जिस टाइम पे अपना कैचमेंट एरिया है वो कंट्रीब्यूशन करने लग जाए किसमें, रन ऑफ कैलकुलेशन में। तो अपन को इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, तो क्यू इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1/T नोड मल्टीप्लाई बाई द ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, किलोमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इक्वल टू 2.78 मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द कैचमेंट डिवाइडेड बाय द टी नोड। टी नोड क्या है दोस्तों, टी नोड 1/T नोड की तो सेंटीमीटर पर आवर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय द एरिया, तो ये मीटर क्यूबिक पर सेकेंड में अपन को रेस्पॉन्स दे देता है। एरिया किलोमीटर स्क्वायर में रख देते हैं, तो अगर यहाँ पे एरिया ऑफ कैचमेंट है टी नॉट गिवन लाइक द 3 आवर, ऐसे करके अपन लेना है, तो 2.78 मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ कैचमेंट डिवाइडेड बाय द टी नॉट। दोस्तों क्यू नॉट किस में मिलता है, मीटर क्यूबिक पर सेकंड में मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, और टी नॉट क्या होता है दोस्तों, अपना हावर्स में अपन को इसको लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा बाय द डबल मास कर्व। जो भी अपन को रेनफॉल डाटा है उसका इनकंसिस्टेंसी है बाय किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, डबल मास कर्व के द्वारा अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब आते हैं दोस्तों मेथड ऑफ राउटिंग,
मेथड ऑफ राउटिंग की बात करते हैं तो मेथड ऑफ राउटिंग क्या चीज़ है दोस्तों। मेथड ऑफ राउटिंग टेक्निक टू फाइंड द चेनेज इन सेफ इन हाइड्रोग्राफ एज वाटर मूव थ्रू ए रिवर और चैनल। मतलब कि ये क्या है कि मेथड ऑफ राउटिंग टेक्निक है टू फाइंड द चेंज इन सेप। क्या क्या चीज क्या करना है अपन को हाइड्रोग्राफ में राउटिंग सेप सेप में हाइड्रोग्राफ की सेप में मतलब कि जो अपना रन ऑफ हो रहा है उसमें एक टेक्निक है जिससे कि अपन फाइंड करते हैं कि कितना चेंज आ रहा है किसमें सेप के अंदर एज वाटर मूव थ्रू ए रिवर और चैनल। तो चैनल कोई भी अपना सेक्शन है या फिर रिवर है उसमें वाटर फ्लो कर रहा है तो उसमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे मेथड आता है मस्किंगम मेथड, जिसमें कि एक स्टोरेज एस स्टोरेज की बात करते हैं। तो एस स्टोरेज ये गेट के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें अपन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मस्किंगम स्टोरेज एस इक्वल टू के ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई द एक्स आई की पावर एम प्लस वन माइनस के एक्स की पावर मल्टीप्लाई बाई द क्यू की पावर एम। दोस्तों यहाँ पे के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के स्टोरेज टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। एंड एक्स वेटेज फैक्टर है 0 से लेकर के 0.5 तक। आई एंड क्यू क्या चीज़ है दोस्तों, इनफ्लो एंड आउटफ्लो डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों स्टोरेज इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस, मतलब कि डेल्टा टी ड्यूरेशन है मेरा, उसमें स्टोरेज है मेरा डेल्टा एस है। देन द क्यू टू इक्वल टू सी नोड मल्टीप्लाई बाय द आई टू प्लस के सी नोड सी वन मल्टीप्लाई बाय द आई वन प्लस सी टू मल्टीप्लाई बाय द क्यू वन। तो दोस्तों यहाँ से अपन सी नोड सी वन सी टू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका ये कैलकुलेशन है वो अपन ईजिली कर लेते हैं। फॉर चैनल राउटिंग यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेज एंड प्रिज्म। चैनल राउटिंग के लिए अपन क्या है बेज और प्रिज्म का मेथड काम में लेते हैं। फॉर रिजर्वर राउटिंग स्टोरेज इज फंक्शन ऑफ द आउटफ्लो। रिजर्वर राउटिंग है करना है तो रिजर्वर के राउटिंग है वो स्टोरेज इज फंक्शन ऑफ द एस इज फंक्शन ऑफ द आउटफ्लो। रन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू सी नोड प्लस के सी वन प्लस के सी टू सी नोड प्लस सी वन प्लस सी टू इक्वल टू वन। फॉर द वेस्ट रिजल्ट, वेस्ट रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए, वेस्ट रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए क्या फिट फॉर होना चाहिए, टू के एक्स इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा टी इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये एक जनरल पर्पज़ के हिसाब से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अदर इंपॉर्टेंट कुछ छोटा टेक्निकल टेक्निकल टर्म है उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है पहला है रेजिडेंस टाइम। रेजिडेंस टाइम दोस्तों टी आर से रिप्रेजेंट किया है, टी आर इक्वल टू एस अपॉन क्यू नो एस अपॉन क्यू को से है। और एस अपन क्यू से है तो क्यों क्या चीज़ है, फ्लो ऑफ द वाटर थ्रो फ्लो ऑफ द वाटर थ्रो दैट पर्टिकुलर सब सिस्टम फेज। तो यहाँ पे क्यों उसको रिप्रेजेंट करता है, एस क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोरेज ऑफ द वाटर इन पर्टिकुलर सब सिस्टम। मतलब कि क्यों फ्लो ऑफ द वाटर थ्रो द दैट पर्टिकुलर सब सिस्टम या फेज, और एस क्या चीज़ है स्टोरेज ऑफ द वाटर इन पर्टिकुलर सब सिस्टम। तो अपन को जिसके लिए भी रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन को क्यू और एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उन दोनों का रेजिडेंस रेशो निकाल के अपन रेजिडेंस का टाइम कैलकुलेट कर ले। मतलब कि एक तरह से क्या है कि एक पर्टिकुलर फेज में वाटर कितना रुक रहा है या कितना स्टे कर रहा है, एक तरह से वो रेजिडेंस टाइम टी आर इक्वल टू एस अपन क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दोस्तों अभी एक छोटा सा है, बाइंड प्रेशर ऑन द डैम इक्वल टू 1 से लेकर के 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आगे आता है अपन का जो पेन मेथड था, अपन ने जो पहले डिस्कस किया था कि उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड के करस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, यूएसए के करस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए। तो पेन वाई द यूएसए साइज इक्वल टू 1210 mm डेप्थ 250 mm। तो इसके अनुसार इवे वो ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेशन के लिए अपन ने जो दोस्तों यूज़ किया था ISI के करस्पॉन्डिंग क्या है कि साइज है वो 1220, जबकि इसने 1210 यूज़ किया है, डेप्थ इसने 250 यूज़ किया है, इसने भी डेप्थ 250 यूज़ किया है विद 0.9 mm थिक कॉपर सीट। तो इसने क्या किया है कॉपर सीट लगा दी। इफ़ करोजन पॉसिबिलिटी मोर देन द मोनल मेटल इज यूज,
ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है कि अगर करोजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो अपन का कौन सी ISI के करस्पॉन्डिंग जो पेन है इवेपो ट्रांसपरेशन कैलकुलेशन के लिए, तो अपन मोनन मेटल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें छोटा कुछ टेक्निकल टर्म था जो रह गया था अपना हाइड्रोलॉजी के लिए। तो पेन वन इक्वेशन यूज फॉर द इवोपो ट्रांसपायरेशन बेस्ड ऑन द एनर्जी बजटिंग, एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर। तो दोस्तों इवोपो ट्रांसपायरेशन में अपन ने देखा था कि यहाँ पे इवोपोरेशन भी हो रहा है प्लस के ट्रांसपायरेशन भी हो रहा है। तो दोस्तों जो कि उनको फोटोसिंथेसिस में जो होता है, इवोपोरेशन तो जानते हैं अपन के कि एयर में जाना टेम मतलब कि जैसे कि सनलाइट या किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अपना वाटर है वन फेज टू सेकेंड फेज में कन्वर्जेशन होता है, एंड अपना जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें भी वाटर का लॉस हो जाता है। तो इवोपोरेशन प्लस के ट्रांसपायरेशन दोनों होता है, जैसे पेन वन से अपन ने देख लिया कि क्या साइज करस्पॉन्डिंग टू USA एंड करस्पॉन्डिंग टू ISI होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें इक्वेशन होती है पेन वन इक्वेशन वो किसके बेसिस पे होती है, एनर्जी बजटिंग या एनर्जी बैलेंस प्लस मास ट्रांसफर दोनों कॉन्सेप्ट पे ये काम करती है। उसके बाद दोस्तों एग्जाम में आ जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक यील्ड क्या चीज़ है। स्पेसिफिक यील्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ड्रेन्ड बाई ग्रेविटी, ड्रेन्ड बाई ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एक्यूफर, जो भी अपना एक्यूफर है उससे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ड्रेन्ड हुआ है अंडर द ग्रेविटी। उसके बाद आता है दोस्तों स्पेसिफिक कैपेसिटी, वेल यील्ड पर यूनिट ड्रो डाउन, मतलब कि उसका यील्डिंग कितना है वेल का पर यूनिट ड्रो डाउन, पर यूनिट ड्रो डाउन के में अपन कितना उससे गेन कर रहे हैं या कितना वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो स्पेसिफिक कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेसिफिक रिटेंशन या फील्ड कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। स्पेसिफिक रिटेंशन या फील्ड कैपेसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड मतलब कितना रिटेंशन हुआ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। और उसके बाद आता है स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक स्टोरेज के लिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिलीज्ड फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर फॉर यूनिट डिक्लाइन इन पीजोमेट्रिक हेड। तो दोस्तों ये कुछ सेम टर्म थी जिनको अपन कभी डाउट हो जाता है तो इनको अपन को रिमेम्बर रखना है, स्पेसिफिक यील्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी वेल यील्ड पर यूनिट ड्रो डाउन, स्पेसिफिक रिटेंशन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर, स्पेसिफिक स्टोरेज वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिलीज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर फॉर यूनिट डिक्लाइन ऑफ द पीजोमेट्रिक हेड। अब स्पेसिफिक यील्ड प्लस के स्पेसिफिक रिटेंशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, पोरोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोरोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों ये एक फ्लड हाइड्रोग्राफ है जिसमें कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर क्यूबिक पर सेकंड, नीचे जो बेसिन टाइम है अपना बेसिन हावर में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस फ्लो है जो परमानेंटली पहले से फ्लो कर रहा है, और अपना जो रन ऑफ को इस तरह से ये राइजिंग लिम ये फॉलिंग लिम ये इसके पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेग टाइम है, लेग टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये डिस्टेंस है ऑफ सेंट्रोइड ऑफ रेनफॉल, डिस्टेंस सेंट्रोइड ऑफ द रेनफॉल ड्यूरेशन टू सेंटर ऑफ द पीक ऑफ द फ्लड, ये रेनफॉल ड्यूरेशन, रेनफॉल ड्यूरेशन है कितना रेनफॉल ड्यूरेशन है उसके सेंटर से लेकर के, रेनफॉल ड्यूरेशन के सेंटर से लेकर के अपना फ्लड हाइड्रोग्राफ है उसके सेंटर तक का लेग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों ये कुछ थोड़ा है कि अपना कैचमेंट का शेप कैसा रहेगा, तो अपना हाइड्रोग्राफ किस टाइप से मिलेगा या उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा। दोस्तों अगर मेरा इस टाइप से अगर मेरा रहेगा कैचमेंट तो उसका हाइड्रोग्राफ है मुझे इस तरह से मिलेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करके ऐसे किया इस तरह से किया तो मेरा ये हाइड्रोग्राफ है वो ऐसे मिलेगा। अगर दोस्तों मेरा क्या बोलते कैचमेंट एरिया इस टाइप से हुआ तो मेरा हाइड्रोग्राफ इस टाइप से मिलेगा, अगर मेरा कैचमेंट एरिया ऐसे हुआ तो मेरा हाइड्रोग्राफ है वो इस टाइप से मिलेगा। तो इन चीज़ों का अपन को दोस्तों क्या करना है, थोड़ा मेमोराइज करना है, मेमोराइज के रखना है और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे कि यहाँ पर मेरा आउटलेट में जाके कैचमेंट एरिया बढ़ता जा रहा है तो दोस्तों ऐसे करके एक फ्लटन एरिया के रूप में मिलेगा, ऐसे यहाँ पे कैचमेंट एरिया वेरी कर रहा है तो मेरे फ्लड डायग्राम मतलब कि ये लीनियर रेस्पॉन्स होता है और टाइम इनवेरियंस होता है तो उसका इफेक्ट अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे जैसे उधर कैचमेंट एरिया में चेंजेज होते हैं उस टाइप से स्लोप चेंज होता है या फिर उधर जो भी एरिया चेंज होता है शेप चेंज होता है तो उसका इफेक्ट अपन को क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोग्राफ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही अपना यूनिट हाइड्रोग्राफ था उसमें एजम्पशन था कि टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रेस्पॉन्स है ये सिस्टम अप्रोच है, तो इन चीज़ों को अपन को याद रखना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं लास्ट एंड फाइनल
इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इन एमएम पर हावर अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये किसी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो मैंने इसको कवर कर लिया कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल किस में, एमएम पर हावर में, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आई इक्वल टू 760 डिवाइडेड बाई द टी प्लस के 10। यहाँ पर टी ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म का ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट में, और इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल आई को रिप्रेजेंट कर रहा है इन एमएम पर हावर में। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा लेक्चर केयरफुली सुना, केयरफुली देखा। एंड प्लीज़ दोस्तों, आप इसी तरह वीडियो को पूरा देखिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, तो जिससे कि उनको भी अवेयर हो सके। और दोस्तों अभी आरपीएससी में एसीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है एंड अभी जो टेक्निकल लेक्चरर की पोस्ट भी आई है, तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप रिवीजन भी कर देंगे, कभी भी अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे वीडियो चला लिया, वीडियो ऑन करके वीडियो प्ले करके अपन का इस तरह से बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में लिंक शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को सभी को हेल्पफुल हेल्प मिले और आगे से आगे टेक्निकल नॉलेज मिलता रहे, और आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम या किसी भी टाइप की प्राइवेट एग्ज़ाम या किसी भी इंटरव्यू में आपको ये हेल्पफुल हो सके। और दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा, जिससे कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास में फ्यूचर में टेक्निकल नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से एक शॉर्ट नोट्स आपके पास में रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ, थैंक यू दोस्तों, आपने केयरफुली सुना उसके लिए, एंड ऐसे सपोर्ट करते रहिए एंड मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।